हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे वर्ब। वर्ब तो बहुत होता है, लेकिन आज हम लोग ए का और बी का पांच पांच वर्ड देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है। आज का V2 V3 मतलब कि वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, आइए देखते हैं हम लोग। प्रेजेंट मतलब कि V1, एक तरीके से हम लोग उसको बोल सकते हैं V1, उसको हम लोग तरीके से V1 बोल सकते हैं, मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पहला एक नंबर में है अपियर। अपियर का मतलब हो गया जाहिर होना। अपियर का मतलब हो गया जाहिर होना। इसके अगर हम लोग सेकेंड फॉर्म देखेंगे, हम इसका सेकेंड फॉर्म देखते हैं, इसका सेकेंड फॉर्म कोई हार्ड नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अपियर हो गया फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म कोई भी वर्ब का पूरा डिफरेंस होता होगा, लेकिन डिफरेंस कुछ नहीं होता, सेम रहता है। खाली थोड़ा आपको ध्यान से देखना है बस। देखिए वो सेम उतार देना, पहले अपियर सेम उतार देना हम लोग को। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज़ लगा देना है। खाली याद रखना कि अपियर में हमेशा ईडी लगता है। क्या लगता है उसमें? ईडी। अपियर में जो फर्स्ट फॉर्म रहता है, फर्स्ट फॉर्म में अपियर है जो फर्स्ट फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म में आएगा तो इसमें सिर्फ ईडी लगा देंगे। इसी तरह जो इसका थर्ड फॉर्म होता है, उसका थर्ड फॉर्म में एकदम सेम प्रोसेस है। पहले सिर्फ अपियर लिख देना है, फिर इसमें सिंपल हम लोग ईडी लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा हम लोग का? अपियर अपियर अपियर, तीनों में हम लोग का सेम चीज़ रहेगा, कोई हार्ड नहीं है। इसी तरह हम लोग अवॉइड में देखते हैं, अवॉइड में एकदम सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं, खाली एक चीज़ का खाली डिफरेंस है। यहाँ अवॉइड का मतलब हो गया कायम करना, कायम करना, कायम रखना, कायम रहना, सब एक ही वर्ड हो गया अवॉइड। अवॉइड में कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग लिखना है। ए भी एम सेम रहेगा। यहाँ पर जो आई है, यहाँ पर जो आई है, इसका जगह सिर्फ हम लोग को ओ देना है। क्या देना हम लोग को? ओ। क्या हो जाएगा हम लोग को? अबोर्ड। अबाइड अबोर्ड, V2 अबाउट हो जाएगा, V3 एकदम सेम रहेगा। ठीक ये समझ में आता है। ये देखिए अपियर का V1 मतलब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपियर, सेकंड फॉर्म अपियर, थर्ड फॉर्म भी अपियर, लेकिन इसमें क्या है, बोलने में अपियर आएगा, लेकिन लिखने में लास्ट में खाली ईडी लग जाएगा। सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाएगा। इसमें क्या, यहाँ पर आई है, यहाँ पर कहीं पर भी है। अब याद रखिएगा एक चीज़ कि वर्ब में कभी भी कोई भी वर्ब में बीच में या लास्ट में कहीं पर भी आई आता है, ज़्यादातर 70% केस में आई का जगह ओ या फिर यू आता है, ओ या यू आता है। जिस तरह इसमें आया हुआ है ओ, इसका थर्ड फॉर्म में भी आया हुआ है ओ। इसी तरह हम लोग तीसरे में चलते हैं आस। आस मैंने पूछना, कोई भी चीज़ इंसान पूछता है अपने से, कोई स्टूडेंट अगर अपना सर से सवाल पूछता है, टीचर से सवाल पूछता है, उसी को हम लोग कहते हैं आस। इसके बाद हम सेम प्रोसेस है, जिस तरह हम लोग अपीयर बनाए थे इसी तरह हम लोग आस भी बनाएंगे। देखिए लिख दिया, इस सेम चीज़ हम लोग लिख दिया आस। तो कुछ नहीं करना हम लोग, सिर्फ ई और डी बना देना, बस हम लोग का सेकंड फॉर्म बन गया। इसी तरह हम लोग का थर्ड फॉर्म भी बनेगा, ए एस के ई और लास्ट में ई डी बैठ जाएगा आस। हम लोग का तीनों चीज़ में सेम हो चुका है, मतलब कि अपियर का और आस दोनों में ई डी बैठेगा, हमेशा ई डी आता है V2 और V3 में। इसको हम लोग को याद करना वो ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग कभी इंग्लिश में बात करते हैं तो सेंटेंस में ये हम लोग यूज़ करना पड़ता है, और आगे तो हम लोग पढ़ेंगे टेंस, टेंस में ये बहुत काम आएगा। इसलिए मैं आपको पहले बतला दे रहा हूँ कि बाद में हम लोग को डिस्टर्ब ना हो, तो हम लोग कोई चीज़ परेशानी ना हो। इसी तरह अराइज। अराइज का मतलब हो गया उठना। एक होता है अवकिन, एक होता है अवेक, इसके नीचे लिखा हुआ है। देखिए आपको दोनों दोनों का मीनिंग एक साथ आपको बतला देता हूँ। अराइज का मतलब हो गया उठना, और वेक का मतलब सेम चीज़ उठना, लेकिन क्या है
जगाना होगा, उठना। अराइस का मतलब उठना, खुद से उठना। और वेकिंग का मतलब वही है जगाना, मतलब कि कोई इंसान सोया हुआ है, कोई दूसरा पर्सन आके उसको जगाता है, उसे हम लोग कहते हैं अवेक। चलिए हम लोग इसको देखते हैं सेकेंड फॉर्म। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें एकदम सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लोग इसमें एकदम सेम चीज़ लिखेंगे, पहले इसमें सेम चीज़ लिखेंगे, अराइज लिख देंगे। उसका बाद हम लोग इसमें कुछ सिर्फ एक चीज़ लगेगा, क्या है, इस समय ईडी लगा हुआ था, इसमें हम लोग सिर्फ लगाना है एन। क्या लगाना है? एन। अराइज अराइजेन, क्या होगा इसका? अराइज अराइजेन। इसी तरह हम लोग का थर्ड फॉर्म में भी सेम चीज़ है। अराइजेन, ए का अराइज जो चार नंबर है क्वेश्चन है, अराइज अराइजेन अराइजेन, तीनों का सेम होता है, सिर्फ लास्ट में एन लग जाएगा। और हम लोग देखते हैं अवेक, जिसका मतलब जगाना है। इसके बाद हम सेम चीज़ है, इसमें कुछ नहीं लगाना है, इसमें हम लोग सिर्फ लिखना है। हाँ, इसमें क्या है, इसमें आपका लगेगा ओ, अवोक। इसमें हम यहाँ पर अवेक के यहाँ अवोक लगेगा वी टू में, लेकिन सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म में क्या लगेगा? अवोक। इसी तरह हम सेम चीज़ है थर्ड फॉर्म में भी अवोक लगेगा, मतलब अवेक अवोक अवोक एकदम सेम चीज़ लगता है। सी, आपको सिर्फ याद करना है उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म याद करने से क्या होता है कि उसका थर्ड फॉर्म भी हम लोग को मालूम चल जाता है, क्योंकि किसी का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहता है। अब आगे हम लोग चलते हैं बीट। बीट माने पीटना, मारना वगैरह वगैरह। इसमें आपके लिए और आसानी हो चुका है, क्योंकि बीट का वी वन और बी टू, बीट का बी वन और बी टू दोनों सेम होता है। लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में से जो बीट आता है उसका वी वन और बी टू दोनों सेम रहता है, सिर्फ बी थ्री में थोड़ा डिफरेंस रहता है। बीटेन हो जाएगा, कुछ नहीं इसमें, सिर्फ लास्ट में ई एन लगेगा, ये वर्ड सिर्फ लगेगा स्टर में, बस ऐसे होना, सिर्फ सेम होगा बीट बीट बीटेन। ये चीज याद करने वाला चीज़ है। हम लोग का बीट याद रहेगा तो सब लोग क्या याद रहेगा? वी टू। तो बीट, अगर हम लोग बीट वी टू याद नहीं रहेगा तो हम लोग वी थ्री कैसे लिखेंगे? जब वी टू याद रहेगा हम लोग वी थ्री भी हम लोग का दिमाग में आ जाता है ऑटोमेटिक। उसके बाद है बियर। यहाँ पर जो बियर है, ये बियर का मतलब होता है पैदा करना। हाँ, हम लोग का जो एक तो वर्ड आता है बियर, यहाँ पर आते हैं इसका वी टू है, बोर। इसका वी थ्री बॉर्न। देखिए हम लोग हमेशा सिर्फ शुरू शुरू में देखते हैं कि हमेशा हम लोग बॉर्न बॉर्न बॉर्न, पैदा होना पैदा होना। ये क्या है? इसका वी टू जो रहता है बोर होता है, वी वन इसका बियर होता है, बियर बोर बॉर्न, ये इसका वी वन वी टू वी थ्री होता है। बेजिन, बेजिन का मतलब है कि शुरुआत होना, शुरुआत होना। इसका मतलब वी टू देखते हैं, वी टू में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई है आपका एक चीज़, देखिए ये भी एकदम आसान है। देखिए यहाँ पर आई है, हमने यहाँ पर ए लगा दिए। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी भी वर में आई आता है, हमेशा जो वर में जो आई आता है, जो एक वर्ड रहता है लेटर आई, उसी को हम लोग चेंज करते हैं, जो वर्ड रहता है आई को हम लोग चेंज करते हैं। जैसे इस तरह मैंने चेंज किया आई को ए में, यहाँ पर सेम प्रोसेस यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर एक आ जाएगा, यू आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, एक आ जाएगा, यू आ जाएगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेजिन बेगन बेगन, जिसका मतलब होता है शुरुआत करना। एक और है उसका बाद बाइंड, बाइंड मतलब ये आपको सबको मालूम होगा, इसका मतलब होता है बांधना, जिस तरह हम लोग बुक वुक को बांध के रखते हैं। इसके बहुत आसान है वी टू, कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ बी ओ यू एंड डी बाउंड कर देना है। और यह सेम इसका वी थ्री भी होता है, बाउंड एकदम सेम इसका एकदम होता है, वी टू वी थ्री सेम होता है, बाइंड बाउंड बाउंड। इसके बाद हम लोग आते हैं बाइट में, बाइट का मतलब होता है काटना। इसका हम लोग अगर लिखेंगे वी टू, इसको हम लोग वी टू कैसे लिखेंगे, वी टू में से कुछ सिंपल है और आसान है, इसका लिखते हैं बी आई टी बीट। सो वी थ्री हम लोग लिखेंगे बी आई डबल टी ई एन बिटेन, बाइट का मतलब होता है काटना। इसका वी वन बाइट, वी टू बीट, वी थ्री बिटेन।